नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है उसको समझा था। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मैथमेटिकल डेफिनेशन स्टडी करी थी और उसके ट्रांजिशन फंक्शन को समझा था। साथ ही साथ NFA के ट्रांजिशन फंक्शन का कंपेरिजन किया था DFA के ट्रांजिशन फंक्शन थे। और फिर एक न्यूमेरिकल हमने कवर अप किया था कि NFA में कोई अगर आप एक स्ट्रिंग, कोई अगर आप एक NFA से कोई अगर आप कोई एक लैंग्वेज है जिसके लिए आप NFA डिज़ाइन करना चाहें तो वो उसका डायग्राम आप कैसे बनाते हैं और कैसे उसकी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस को शो करते हैं। ठीक है, इस लेक्चर में हम NFA के एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन की बात करेंगे और लैंग्वेज ऑफ NFA की बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ NFA। ये जो थ्योरी मैंने यहाँ पे कवर करी हुई है, ये थ्योरी भी मैंने जो उल्मन हॉफक्रॉफ्ट एंड मोटवानी की बुक है उससे मैंने ये कवर किया हुआ है। सोर्स मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, ये मैं अपनी गलती मानूंगा। और जो उनकी बुक है उससे मैंने ये कवर किया है, तो उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ NFA क्या होता है। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ट्रांजिशन फंक्शन को अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से। ट्रांजिशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा से, वैसे एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन को हम डिनोट करते हैं डेल्टा कैप से। जो एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा कैप से। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उसका सिंबल मैं बनाना थोड़ा सा रह गया था, उस सिंबल को मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आप इसको देख सकें। अगर हम बात करें तो ये चीज, ठीक है, मैंने बताया था कि देखिए आप एक बार समझिए कि जो DFA होता है उसके ट्रांजिशन फंक्शन को भी आप डेल्टा से डिनोट करते हैं, एक्सटर्नल ट्रांजिशन फंक्शन को भी आप डेल्टा कैप से डिनोट करते हैं। वैसे ही NFA के ट्रांजिशन फंक्शन को भी हम डेल्टा से डिनोट करते हैं और उसके ट्रांजिशन फंक्शन को हम डेल्टा कैप से डिनोट करते हैं। अब बिल्कुल सिमिलर वर्किंग है, जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे आपका एक्सटर्नल ट्रांजिशन फंक्शन DFA में काम कर रहा था, सिमिलरली एक्सटर्नल ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो आपका NFA में भी काम करेगा। मतलब उसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है अगर हम वर्किंग के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो। बस समझना ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। बेसिस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेप वही है कि इनिशियली हम कह रहे हैं कि अगर आप किसी स्टेट Q पर हैं और कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे हैं, मतलब जिस स्ट्रिंग पे आपको प्रोसेसिंग करनी है अगर उसका आप कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे हैं तो मशीन उसी स्टेट पे रहेगी। ठीक है, दैट इज विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल्स। पहले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ थ्योरी समझाई थी, अब तो मैंने उसको नोट कर दिया NFA में। विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल वी आर ऑलरेडी इन द स्टेट वी बिगेन इन, जहाँ से आप स्टार्ट करोगे वही होगा। जैसे मैंने कहा कि कोई स्ट्रिंग थी W इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 00101, ठीक है, तो अगर आप इस स्ट्रिंग का कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं कर रहे हो, मतलब इस स्ट्रिंग को अगर आप रीड करोगे तो सबसे पहले आप ये वाला जीरो रीड करोगे ना, तो अगर आपने इसी को रीड नहीं किया, मतलब आपने कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया, तो उसको जनरली हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो वो चीज इन्होंने यहाँ पे लिखी है एप्सिलॉन। ठीक है, विदाउट रीडिंग एनी इनपुट सिंबल वी आर ओनली इन द स्टेट वी बिगिन विद, अदरवाइज वो ये कह रहे हैं किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम रीड करते हैं तो उस स्ट्रिंग को हम एक्स ए की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे DFA के केस में था कि कोई भी स्ट्रिंग अगर हम W की हम बात करते हैं, लार्जर स्ट्रिंग है, तो NFA में भी वैसी वर्किंग होती है, आप उसको एक्स ए की फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हम लिखते हैं डेल्टा कैप। ठीक है, अगर आप किसी भी स्टेट पर हैं, ठीक है, और कोई इनपुट स्ट्रिंग को आप रीड कर रहे हैं तो इसकी वर्किंग सिमिलर उसी तरह से होगी, डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा एक्स कॉमा ए, सिमिलर वर्किंग है। लेकिन दिक्कत क्या, लेकिन इसमें कंसेप्ट में ये आता है कि जब आप इतना पोर्शन आप रीड कर रहे हो तो इसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ें डिफाइन कर रहा है कि अगर इतने पोर्शन की हम बात करें तो इसका आउटपुट कुछ भी हो सकता है। जैसे आपने कहा कि मे बी आउटपुट में 5 निकल के आए, मे बी आउटपुट में एक से ज़्यादा स्टेट निकल के आए, तो वही चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे हम आउटपुट में मल्टीपल स्टेट निकल के आ रहे हैं, क्योंकि NFA के केस में क्या होता है
कि जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि फॉर एग्जांपल लगा आपके पास तीन स्टेट्स हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था कि आपके पास लेट से तीन स्टेट है, क्यू नॉट है, दूसरी क्यू वन है, तीसरी क्यू टू है, ठीक है, और इनपुट सिंबल आपके पास ए और बी हैं, और आपने कहा आपने किसी स्टेट क्यू नॉट पे इनपुट सिंबल ए रीड किया, तो मशीन मान लीजिए क्यू नॉट और क्यू टू दो शीट पे पहुंचे, ठीक है, तो मल्टीपल शीट से ऐसा आउटपुट आ सकते हैं। तो उसी चीज की हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ डिफाइन किया है, सपोज W इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स ए, वेयर ए इज द लास्ट सिंबल ऑफ W एंड एक्स इज द रेस्ट ऑफ W, और सपोज वही कह रहे हैं कि आपने क्यू स्टेट पर अगर एक्स रीड किया, ठीक है, अगर क्यू स्टेट पर आपने एक्स रीड किया, मेरे ख्याल में आपको एक चीज दिखनी रही होगी, तो उसको समझाने के लिए ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि क्यू शीट पर अगर आप एक्स लिख रहे हैं और एक्स रीड कर रहे हैं, तो मान लीजिए आपकी मशीन पी वन से लेके पी के स्टेट तक पहुंच रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फिर आप उनकी जगह पे आप पी वन से लेके पी के रखोगे, मतलब ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ, इसकी जगह पे आप रखोगे पी वन कॉमा पी टू अप टू पी ऑफ के, और इस पे आप ए रीड करोगे। तो बेसिकली ये पी वन पी टू पी के जो है ये आपके पास स्टेट्स हैं, तो इन स्टेट्स इतनी सारी स्टेट्स पे अगर आप ए रीड करोगे तो बोले आउटपुट जो निकल के आएगा वो ऐसे कुछ निकल के आएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ, ये हो जाएगा आपके पास पी वन पर अगर आप ए रीड करो यूनियन, पी टू पे अगर आप ए रीड करो यूनियन पे डेल्टा टाइम्स ऑफ, पी थ्री पे आप ए रीड करो एंड सो ऑन अप टू यूनियन ऑफ पी के पे आप ए रीड करो, तो आउटपुट क्या निकल के आएगा, सबका यूनियन कर दीजिए आउटपुट निकल के आ जाएगा। जैसे हम बात करें कि मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल हम ये कहें कि जैसे ये वाला ही केस होता, ठीक है, कि आप लेट से कोई स्ट्रिंग होती जिसको आप रीड कर रहे होते और सिचुएशन कुछ ऐसी बनती कि फाइनली यहाँ पे ऐसा आया था आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ, यहाँ पे आपके पास दो शीट्स आती लेट से क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, ठीक है, या क्यू टू है, और आप ए इनपुट सिंबल रीड कर रहे हो, तो इसका आउटपुट यहाँ पे क्योंकि दो शीट है तो इसका क्यू नॉट पे ए यूनियन क्यू टू पर ए, दैट इज डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पे ए यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू टू पर ए, इससे आप आउटपुट निकालोगे, ठीक है, मेरे ख्याल में आप समझ जाओगे। अभी हम क्वेश्चन की हम बात करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें जो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि डिजाइन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, डिजाइन अ नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हुज जॉब इज टू एक्सेप्ट ऑल एंड ओनली द स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस दैट एंड इन 01, ठीक है, एंड शो द एक्सेप्टेंस ऑफ दिस, ठीक है, तो आपने इसका ये डायग्राम क्रिएट किया था और इसकी ट्रांजिशन टेबल भी हमने बनाई थी, जैसे मैं यहाँ पे आपको बनाता हूँ ट्रांजिशन टेबल बना के दिखाता हूँ कि ऐसे बनाई थी हमने, यहाँ पे आप डेल्टा लिखते हो, ठीक है, यहाँ पे दो इनपुट सिंबल आपके पास एक जीरो है एक दूसरा आपके पास वन है, ठीक है, तीन स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे आप स्टेट लिखोगे क्यू नॉट, यहाँ पे स्टेट लिखोगे क्यू वन, यहाँ स्टेट लिखोगे क्यू टू, क्यू नॉट आपकी इनिशियल स्टेट है, क्यू टू आपकी फाइनल स्टेट है, ठीक है, क्यू नॉट पे आपने जीरो रीड किया तो मशीन कहाँ जा रही है, आप देखो क्यू नॉट पे जीरो रीड कर रहे हो, ये वाला जीरो रीड किया तो मशीन क्यू नॉट पर जा रही है और जीरो रीड करके मशीन आपकी क्यू वन पर भी जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे एज अ सेट आप लिखते हो क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, ठीक है, ये सेट की फॉर्म में लिखिएगा, ठीक है, ऐसे क्यू नॉट पे वन रीड कर रहे हो तो मशीन वन रीड करके सिर्फ क्यू नॉट पर ही जा रही है, तो वो सेट की फॉर्म में आप लिखोगे क्यू वन, क्यू वन पे आपने जीरो रीड किया तो उसका कोई भी ट्रांजिशन नहीं है क्यू वन से, तो यहाँ आप फाइव लिखते हो, क्यू वन से वन रीड किया तो मशीन क्यू टू पर जा रही है, और क्यू टू पे आपने जीरो रीड किया तो मशीन का कोई ट्रांजिशन नहीं है फाइव, और क्यू टू पे आपने वन रीड किया तो मशीन का कोई भी ट्रांजिशन नहीं है फाइव, मशीन वहीं पे रहेगी, ठीक है, तो अब जैसे हम बात करें तो एक्चुअल ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग आप कैसे शो करोगे, ट्रांजिशन फंक्शन की वर्किंग तो मैं शो नहीं करी, वो सिमिलरली उसी तरह से एक्चुअल ट्रांजिशन फंक्शन से आप समझ जाओगे। जैसे ये स्ट्रिंग थी डब्ल्यू इज इक्वल टू डबल जीरो वन जीरो वन, अगर आपको इसकी एक्सेप्टेंस शो करनी है, ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, तो याद रखिएगा पहले आपको ये जो बेसिक स्टेप है ये आपको परफॉर्म करना होता है, ठीक है, तो इनिशियली हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, साफ साफ यहाँ पे नोट करते हैं, जो स्ट्रिंग थी उसको मैं बड़ा बड़ा साफ साफ लिख दे रहा हूँ, स्ट्रिंग थी आपके पास जीरो जीरो वन जीरो वन, सबसे पहला स्टेप इनिशियली आप यहाँ लिखोगे डेल्टा कैप, आप क्यू नॉट स्टेट पे हो और आपने इसका कोई भी इनपुट सिंबल रीड नहीं किया तो मशीन उसी स्टेट पे रहेगी, ठीक है,
फिर सेकेंड स्टेप, अगर आपने मशीन का से एक इनपुट सिंबल जीरो रीड किया तो यहाँ से आप लिखोगे डेल्टा कैप, इनिशियली आप क्यू नॉट पर हो, ठीक है, और आपने इनपुट सिंबल खाली जीरो रीड किया, ठीक है, तो ये जीरो आपका डब्ल्यू की तरह ऐड करेगा, ठीक है, तो डब्ल्यू को अगर मैं एक्स ए की फॉर्म में ब्रेक करूं, ठीक है, तो यहाँ पे आप एक्स की जगह पे एप्सिलॉन मान लीजिए और ए की जगह पे आप जीरो मान लीजिए, इस स्ट्रिंग की बात कर रहा हूँ, जो डब्ल्यू स्ट्रिंग आपके पास जीरो थी उसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ये आपका एक्स कहलाएगा और ये आपका जीरो ए कहलाएगा, तो ये आपको जीरो ही देगा, ठीक है, तो ये आपके पास हो जाएगा एक तरह से डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन डॉट जीरो। एप्सिलॉन हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि हम उसको एक्स मान रहे हैं और वहां से हम रिजल्ट कैलकुलेट कर लेंगे, ये एक्स हो गया, ये आपके पास ए हो गया, हमेशा इसी तरह से आप सॉल्व करिएगा, ये हो जाएगा डेल्टा कैप ऑफ, सॉरी डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन कॉमा जीरो, ठीक है, और डेल्टा कैप क्यू नॉट कॉमा एप्सिलॉन आपने फर्स्ट स्टेप में सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, जिसका आउटपुट क्यू नॉट था, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट कॉमा जीरो, दैट इज क्यू नॉट पे जीरो रीड करोगे तो मशीन कहाँ जा रही है, या तो आप डायग्राम में देख लो, क्यू नॉट पे जीरो रीड करोगे तो मशीन दो शीट पे जा रही है क्यू नॉट और क्यू वन पे, या टेबल से देखते हो क्यू नॉट पे जीरो रीड करोगे तो मशीन क्यू नॉट और क्यू वन पे जा रही है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू वन। अब आप ध्यान से देखिएगा थर्ड स्टेप, मैं बहुत साफ साफ करता हूँ थर्ड स्टेप, यहाँ से आप इसको समझेंगे थर्ड स्टेप, ठीक है, अब आपने अगर दो जीरो रीड किए होते तो यहाँ पे आप लिखते सबसे पहले डेल्टा कैप ऑफ आप क्यू नॉट स्टेट पर हो और दो जीरो रीड कर रहे हो, ठीक है, तो ये लास्ट वाला सिंबल आपका ए कहलाता, ये आपके पास एक्स कहलाता, तो ये हो रहा था डेल्टा कैप, सॉरी ये हो रहा था डेल्टा टाइम्स ऑफ, कैप नहीं है, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा जीरो एक्स वाला फिर कॉमा जीरो, ठीक है, और ये चीज आप नोट करिए आपने स्टेप नंबर टू में सॉल्व करी हुई है, देखिए आपने स्टेप नंबर टू में सॉल्व किया हुआ है, तो हमेशा आप देखिए कि प्रीवियस स्टेप से आपको रिजल्ट मिल जाएगा और जिसका आउटपुट आपके पास क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ, अब देखिएगा समझ के, इसकी जगह पे आप रखोगे क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, इसकी जगह पर आप रख रहे हो क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, ठीक है, तो इसकी जगह पे आपने रखा क्यू नॉट कॉमा क्यू वन एज अ सेट और कॉमा लगा के जीरो है, ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पे दो स्टेट पे आप जीरो रीड कर रहे हो, तो एक बार क्यू नॉट पे जीरो रीड होगा, एक बार क्यू वन पे जीरो रीड होगा, और दोनों का यूनियन कर दीजिए वो आउटपुट हो जाएगा, ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पे समझाई थी कि यूनियन करके उसका आउटपुट आप निकालते हैं, ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, वो हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पर जीरो, सॉरी एक सेकंड में दुआ लेता हूँ, ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पर जीरो, ठीक है, यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू वन पर जीरो, ठीक है, अब क्यू नॉट पर जीरो रीड करके मशीन कहाँ पहुंच रही है, आप अगर डायग्राम से देखेंगे तो क्यू नॉट पर जीरो रीड करके मशीन क्यू नॉट पर और क्यू वन पर पहुंच रही है, या टेबल से आप देखिए तो वो रीड करके मशीन आपके पास क्यू नॉट और क्यू वन पर पहुंच रही है, ठीक है, आपको मेरा मार्कर मूव करते हुए दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर आउटपुट आ जाएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, बिल्कुल सेट थोड़ी की तरह करेगा यूनियन, और क्यू वन पे जीरो रीड करके मशीन कहाँ पहुंच रही है, फाइव पर, क्योंकि क्यू वन पे जीरो का ट्रांजिशन है ही नहीं, तो मशीन फाइव आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तो फाइव से किसी भी सेट का यूनियन करते हो तो सेट थ्योरी वाला कंसेप्ट आ जाता है, जो सेट होता है वो आपके पास आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है, तो क्यू नॉट पर डबल जीरो रीड किया तो मशीन यहाँ पहुंची, अब हम रीड करेंगे डबल जीरो वन, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में वर्किंग करता हूँ उसकी, ठीक है, स्ट्रिंग थी आपके पास W इज इक्वल टू डबल जीरो वन जीरो वन, अब आप ये रीड कर चुके थे, ये रीड कर चुके थे, सॉरी ये रीड कर चुके थे और ये रीड कर चुके थे, अब हमें ये तीन रीड करना है यहाँ तक का, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ स्टेप,
डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट पर आपने रीड किया 001, तो ये हो जाएगा आपके पास x, ये हो जाएगा आपके पास a, ठीक है। दिस विल बी नाउ डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा 001, ठीक है। तो ये जो है आप नोट करो, तो ये चीज आपने स्टेप नंबर 3 में सॉल्व करी हुई है। आप देखिए जो स्टेप नंबर 3 आपने किया है उसमें आपने ये चीज सॉल्व कर रखी है, ठीक है। जो स्टेप नंबर 3 में आपने सॉल्व कर रखा है 00 के लिए, आउटपुट निकल के आया था क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, ठीक है। तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए जो आउटपुट आ जाएगा वो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ, ठीक है, आउटपुट क्या था क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, तो ये हो जाएगा। इसकी जगह पे आप रखोगे क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, तो यहाँ रखोगे आप क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा वन, तो फिर यही हो जाएगा आपके पास क्यू नॉट पर वन और क्यू वन पर वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पर वन यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू वन पर वन, ठीक है। तो क्यू नॉट पर वन रीड करके मशीन खाली क्यू नॉट पर जा रही है, तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपके पास क्यू नॉट यूनियन, ठीक है। और इसका जो आउटपुट था वो अगर आपको याद होगा तो Q1 पे 1 रीड करके मशीन पहुंच रही है Q2 पर, ठीक है, क्योंकि ये सेट की फॉर्म में लिखे जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमेशा यहाँ पे सेट की फॉर्म में ही लिखे जाएंगे, यहाँ भी आपको सेट की फॉर्म में ही लिखने हैं, ये चीज याद रखिएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, ये चीजें याद रखने वाली छोटी छोटी चीजें हैं। वैसे एग्जाम में नंबर इसके नहीं कटते लेकिन कंसेप्ट तो पता होना चाहिए ना, क्योंकि हम सेट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एज आउटपुट सेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में जब आप रीड करोगे तो अब आप रीड करोगे 0010, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा कैप क्यू नॉट पर आप रीड कर रहे हो 0010, तो इतना हो गया आपके पास x और ये हो गया आपके पास a, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा 001 कॉमा 0। सॉल्व करिए, तो ये स्टेप आपने स्टेप नंबर 4 में किया हुआ है, अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, ये सॉल्व किया हुआ आपने फोर में, आउटपुट निकल के आया आपके पास ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट कॉमा क्यू टू कॉमा 0, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू नॉट पर 0, ये क्यू नॉट सेट की फॉर्म में रहेगा, यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ क्यू वन पर 0, सॉरी क्यू टू पर 0, ठीक है, क्यू टू है यहाँ पर क्योंकि है क्यू नॉट, ठीक है। तो क्यू नॉट पर 0 रीड किया तो मशीन कहाँ पहुंच रही है, क्यू नॉट और क्यू वन पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, इसकी जगह पर आ जाएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू वन यूनियन क्यू टू कॉमा 0, Q2 पे कोई भी टेंशन नहीं तो आउटपुट आएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आउटपुट में Q0 कॉमा Q1। अब लास्ट स्टेप देखिए, जो आप पूरी स्ट्रिंग रीड करोगे, ठीक है, उसको मैं छोटा छोटा साफ साफ कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है। तो हो जाएगा डेल्टा कैप Q0 पर आपने पूरी स्ट्रिंग रीड करी 00101, इतना पोर्शन आपके पास x हो गया, इतना पोर्शन a हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ डेल्टा कैप ऑफ क्यू नॉट कॉमा 0010, ठीक है। ये आपने स्टेप नंबर 5 में सॉल्व किया था, तो ये हो जाएगा डेल्टा टाइम्स ऑफ जो उसका आउटपुट था वो था क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास क्यू नॉट कॉमा क्यू वन कॉमा 1, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा टाइम्स ऑफ Q0, कॉमा 1 यूनियन डेल्टा टाइम्स ऑफ Q1, कॉमा 1।
ठीक है, और क्यू नॉट पे मशीन रीड, इसको रीड करके मशीन का आउटपुट क्या आया था आपको पता है, क्यू नॉट में क्यू वन आया था आउटपुट, क्यू नॉट पे जब आपने वन रीड किया था तो आउटपुट आया था क्यू नॉट, ठीक है, तो ये आया आउटपुट क्यू नॉट यूनियन, और इस क्यू वन पे वन रीड किया था मशीन पहुंचे क्यू टू पर, तो यहाँ आएगा क्यू टू, ठीक है, तो फाइनली आउटपुट आया क्यू नॉट कॉमा क्यू टू, ठीक है। तो फाइनली आप देख रहे हो कि आफ्टर सिक्स स्टेप आप नोट कर रहे हो कि जब आपने कंप्लीट रीडिंग रीड कर ली तो आपकी मशीन दो स्टेट पे स्टॉप कर रही है, एक क्यू नॉट पर स्टॉप कर रही है और एक क्यू टू पे स्टॉप कर रही है, क्योंकि क्यू टू फाइनल स्टेट है तो हम ये कह रहे हैं द स्ट्रिंग इज एक्सेप्टेड बाई द एन एफ ए। मेरे ख्याल में ये आपको वर्किंग क्लियर हो गई होगी। पहले तीन स्टेप मैंने ये सॉल्व किए हैं, आप देख सकते हैं, चाहे तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, बहुत सिंपल स्टेप है, वर्किंग बहुत इजी है, और नेक्स्ट तीन स्टेप मैंने आपके पास यहाँ सॉल्व करके सॉल्व किए हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक एन एफ ए की हम बात करते हैं, वो है लैंग्वेज ऑफ एन एफ ए। देखिए लैंग्वेज ऑफ एन एफ ए समझने से पहले एक बात समझिएगा कि जो हमने अभी स्ट्रिंग ली थी, जैसे हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का डायग्राम ये था आपके पास, एक आपके पास स्टेट थी क्यू नॉट स्टेट, डायग्राम की हम बात करें, एक स्टेट थी क्यू वन स्टेट, एक स्टेट थी क्यू टू स्टेट जो आपके पास फाइनल स्टेट थी, यहाँ से आपने जीरो और वन का ट्रांजिशन किया था, यहाँ से जीरो का ट्रांजिशन किया था और यहाँ से वन का ट्रांजिशन किया था, आप देख लीजिए ये डायग्राम था, ठीक है, ये इनिशियल स्टेट थी, और हमने कहा था इस स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस की हम बात कर रहे थे W = 00101, तो आपने ये तो कहा डेल्टा कैप अगर आप क्यू नॉट से ये पूरी स्ट्रिंग रीड करते हो तो आपकी मशीन दो स्टेट पे स्टॉप कर रही है, क्यू नॉट पर और क्यू टू पर, ठीक है, और अगर मैं इसको फाइव टपल से रिप्रेजेंट करूं, इसको अगर मैं फाइव टपल से रिप्रेजेंट करूं तो जो फाइव टपल थे वो थे आपके पास क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट और एफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टेट्स थी वो थी क्यू नॉट, डायग्राम में आप देखिए क्यू वन और क्यू टू, ठीक है, इनपुट सिंबल थे जीरो और वन, डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन और ट्रांजिशन टेबल से आप शो करते हो, इनिशियल स्टेट आपके पास क्यू नॉट है और फाइनल स्टेट आपके पास कौन सी है क्यू टू, ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ एन एफ ए क्या होगी, तो वो ये कह रहे हैं कि लैंग्वेज ऑफ एन एफ ए ये होगी, जैसे वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने किसी प्रॉब्लम के लिए ये एन एफ ए क्रिएट करा है, ठीक है, तो किसी लैंग्वेज एल के लिए अगर आपने ये एन एफ ए क्रिएट किया है और इस एन एफ ए का नाम ए रखा है तो इस मशीन की लैंग्वेज आपके पास एल ऑफ ए से डिनोट करेगी जो एक्चुअल में एल ही होगी, ठीक है, आपने इस L के लिए एन एफ ए बनाया था, L क्या था, ये था जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, अगर मैं बात करूँ तो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये L है, ठीक है, इसके लिए आपने ये एन एफ ए क्रिएट किया, इसके लिए आपने ये एन एफ ए क्रिएट किया, ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर मैं इस एन एफ ए की लैंग्वेज की बात करूँ, अगर आपने इस एन एफ ए का नाम ए रखा तो इसकी लैंग्वेज को अगर आप एल ऑफ ए से डिनोट कर रहे हैं तो बेसिकली एल होगी, तो उसको वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं, वो डिफाइन कर रहे हैं कि अगर L of A, यहाँ पे A जो है वो NFA को हम कह रहे हैं, ठीक है, तो कह रहा है कि लैंग्वेज ऑफ NFA A वो होगी अगर आप उसमें कोई भी स्ट्रिंग पास कराओ, जो भी गिवन अल्फाबेट है उस पे बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग पास कराओ, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर मैं उस स्ट्रिंग को पास कराता हूँ एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में और जो इसका आउटपुट निकल के आए उसका मैं ये इसको ऐसे लिख लो, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा, उसका जो आउटपुट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसका अगर हम ये कह रहे हैं कि किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन में पास कराएं तो उसका जो भी आउटपुट निकल के आ रहा है, ठीक है, तो उस आउटपुट को अगर मैं जो एन एफ ए की फाइनल स्टेट है उसके सेट से अगर मैं इंटरसेक्शन करता हूँ तो अगर वो नल सेट नहीं है, मतलब तो हम ही मान के चलेंगे कि आउटपुट में कोई ना कोई एक फाइनल स्टेट निकल के आ रही है और वो स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेड है क्योंकि नल सेट नहीं आना चाहिए, जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन की हम बात करें तो वो जो स्ट्रिंग होगी वो उस लैंग्वेज का पार्ट होगी, जैसे आपने कहा कि फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग थी आपके पास 00101, तो आप नोट करो कि इस स्ट्रिंग को अगर मैं यहाँ पास कराता हूँ 00101 को, ठीक है, तो जब आपने ये पास कराई थी ये डेल्टा कैप वाली वर्किंग जो थी ये आपने यहाँ शो कर रखी है, ठीक है, तो आउटपुट में आपके पास क्यू नॉट कॉमा क्यू टू आया था, तो वो कह रहा है कि जो आउटपुट इसका निकल के आएगा क्यू नॉट कॉमा क्यू टू उसका इंटरसेक्शन करूँ मैं फाइनल स्टेट के सेट से, तो फाइनल स्टेट यहाँ पे क्या है क्यू टू, फाइनल स्टेट यहाँ पे क्यू टू है, ठीक है, तो वो फाइव निकल के नहीं आना चाहिए,
वो फाइव निकल के नहीं चाहिए। आप देखो इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको क्या देगा, Q2 देगा, ठीक है। मतलब अगर इनका इंटरसेक्शन फाइव नहीं है, मतलब अगर इंटरसेक्शन फाइव नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें से इनमें एक स्टेट आपकी फाइनल स्टेट होगी होगी, क्योंकि अगर मैं कहूँ फाइनल स्टेट में यहाँ पे एक ही स्टेट है और उसका आप इंटरसेक्शन इससे करा रहे हो, तो इंटरसेक्शन आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स आते हैं ना, कॉमन का मतलब क्या है कि दोनों में जो कॉमन होगा, आप फाइनल स्टेट से इंटरसेक्शन करा रहे हो तो कहीं ना कहीं फाइनल स्टेट यहाँ पे आ ही आएगी। अगर फाइनल स्टेट आउटपुट में निकल के आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो लैंग्वेज NFA के द्वारा आपकी एक्सेप्टेड है, ठीक है। जैसे मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था, कोई स्ट्रिंग आप ले लो, फॉर एग्जाम्पल W इज इक्वल टू 010, तो जब आप इसको पास कराओगे तो मशीन जीरो रीड करने पे, आपको पता था कि इनिशियली आपने जीरो रीड किया था तो मशीन दो स्टेट पे पहुंच रही थी, क्यू नॉट पर और क्यू वन पर, ठीक है। और फिर आपने अगर क्यू नॉट पे वन रीड किया तो मशीन क्यू नॉट पे पहुंच रही थी, और क्यू वन पे आपने वन रीड किया तो मशीन क्यू टू पे पहुंच रही थी, और क्यू नॉट पे फिर से आपने जीरो रीड किया तो मशीन क्यू नॉट पे और क्यू वन पे पहुंच रही थी, क्यू टू पे फाइव, तो इसका आउटपुट निकल के आया था क्यू नॉट कॉमा क्यू वन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि इसका अगर मैं ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करूँ तो आप ये कहोगे W जो स्ट्रिंग थी, सॉरी क्यू नॉट से अगर आप स्टार्ट करोगे तो ये स्ट्रिंग रीड करके मशीन क्यू नॉट कॉमा क्यू वन पे स्टॉप कर रही थी, ठीक है। तो अगर मैं उसका फाइनल सेट से इंटरसेक्शन करता तो ये होता क्यू नॉट कॉमा क्यू वन इंटरसेक्शन क्यू टू, जो ऑब्वियसली बात है फाइव निकल के ही आता, साफ साफ लिख दे रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो जब इसका इंटरसेक्शन करोगे, ठीक है, ये जो W इक्वल टू 00 वाला, ठीक है, 010, तो 010 को अगर आप पास कराओगे तो 010 अगर आप यहाँ पे पास कराओगे तो 010 को रीड करके मशीन Q0 को Q1 पहुंच रही है, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा, Q0 कॉमा Q1 इंटरसेक्शन ऑफ फाइनल स्टेट है Q2। तो अब देखिए कि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स आउटपुट में आ चाहिए ना, तो दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है तो आउटपुट में फाइव निकल के आएगा। तो वे कह रहे हैं कि अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई नहीं है तो इसका मतलब मशीन आपकी फाइनल स्टेट पे पहुंची है, और यहाँ पे क्योंकि आउटपुट फाई निकल के आ रहा है, इसका मतलब मशीन फाइनल स्टेट पे नहीं पहुंची। आप देख लो मशीन क्यू नॉट और क्यू वन पे स्टॉप कर रही है और दोनों की दोनों आपकी फाइनल स्टेट नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डिफाइन करते हैं इंटरसेक्शन, ठीक है। देखिए DFA का कैसे था, DFA का अगर आपको याद हो, DFA का बहुत सिंपल आपने डिफाइन किया था, DFA का डिफाइन किया था लैंग्वेज ऑफ A इज इक्वल टू W such that delta cap Q naught comma W belongs to F, कि जब आप इससे करोगे तो अगर स्ट्रिंग पास कराने पे अगर वो फाइनल सेट को बिलोंग, फाइनल सेट के सेट को बिलोंग करती है तो वो आपकी स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्टेड मानी जाएगी। तो आप देखिए कि लैंग्वेज ऑफ NFA, लैंग्वेज ऑफ DFA सेम है, ठीक है, लेकिन आपको ये तरीका समझना पड़ेगा कैसे हम यहाँ पे निकाल रहे हैं वर्किंग, और ये बहुत मैथमेटिकल चीजें हैं, आपको इसको समझना पड़ेगा, और जितनी आपकी मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगी, जितना आपको कंसेप्ट क्लियर होगा ना, उतना आप आगे खुद से वर्किंग कर पाओगे, ठीक है। NFA की, क्योंकि NFA की लैंग्वेजेस को भी हम आपकी रेगुलर लैंग्वेजेस ही बोलते हैं, ये आप आगे समझोगे इस कंसेप्ट को, ठीक है, जिसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। फिलहाल का मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ और हमारा ये टॉपिक यहीं पर क्लोज होता है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद धन्यवाद।